हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। फाइनली बहुत दिनों के बाद अपने बोर्ड पे वापस आ चुका हूँ। पहले तो डिजिटली पढ़ा रहा था अपने कंप्यूटर से ही, पर फाइनली आई एम कम बैक आवर बोर्ड। ओके, तो फाइनली आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, बी आर एस। वॉट इज बी आर एस? आज डिस्कस करेंगे कैसे इसका डिफरेंस होता है, क्या रीजंस इसमें होते हैं बी आर एस के, और बी आर एस होता क्या है। सबसे पहले बी आर एस अकाउंट्स का चैप्टर है, ठीक है? तो टैली भी किसका पार्ट है? अकाउंट्स का पार्ट है, इसलिए हमें बीआरएस पढ़ना है। बीआरएस जनरली कोई हार्ड टॉपिक नहीं, इज वेरी सिंपल टॉपिक, और हम लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके, बीआरएस फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू मैच द डिफरेंस, क्या मतलब है इस फर्स्ट लाइन का? अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंस बिटवीन, किस चीज का डिफरेंस बिटवीन में? द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अब सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये कैश बुक और पासबुक क्या होता है? पासबुक वो होता है जो हमारे बैंक का ट्रांजेक्शन को शो करता है, उसे हम लोग पासबुक कहते हैं। आप सभी जानते हो पासबुक क्या होता है, जो बैंक के ट्रांजेक्शन को शो करते हैं, बैंक के स्टेटमेंट को दिखाते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट हमारा कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? टैली में हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शंस करते हैं उसके सारे रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं। कैश बुक कहने का मीन्स क्या होता है कि हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शंस किए, किसी को माल उधार दिए, कि कोई मुझे पैसा वापस किया, कुछ परचेज किया, मैं सेल्स किया, तो वो सारे रिकॉर्ड कैश बुक में लिखे जाते हैं, इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है? जो भी आपके कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं, उस डिफरेंस को कैसे चेक किया जाता है, उसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके मदद से हम लोग जो कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस है, अमाउंट गैपिंग है, अमाउंट डिफरेंस है, उसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इट इज एन अकाउंट, यह एक अकाउंट है डिजाइन टू, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है मैच द डिफरेंस बिटवीन को मैच करने के लिए, को किसका? द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इस अकाउंट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उससे हम लोग मैच कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, कैश बुक और पासबुक के बीच में। सिंपली हमें इतना समझना है कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बीएसआर, मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब सर, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्यों है, कैसे होता है, वो हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट रीजंस फॉर डिफरेंस इन बीआरएस। अभी मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअल में कैसे समझना है इसे। ओके, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस इन बीआरएस, एरर कमिटेड बाय फर्म। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब कंपनी के ही तरफ से एरर हो। सपोज करिए मैं क्या टाइप कर रहा था, कि मैंने राम को मैंने 5,000 रुपये दिए, ठीक है? बट क्या हुआ कि आफ्टर नेक्स्ट डे ये जो ट्रांजेक्शन जो मैंने 5,000 राम को दिए थे, वो मैंने वापस कर लिए, जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट साइन किया था वो कैंसिल कर दिया। फाइनली ये समझना है कि मैंने राम को आज 5,000 रुपये दिए और कल वापस ले लिए, क्योंकि मुझे उनसे काम नहीं कराना था। तो मैंने क्या किया, 5,000 दिया, वो तो मैंने एंट्री किया अपने टैली में, लेकिन जो वापस ले लिया, जो डील कैंसिल कर दिया राम के साथ, उसको अपडेट नहीं किया। तो क्या हुआ, एरर कमिटेड बाय फर्म्स, मतलब कंपनी के तरफ से ही एरर हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके पासबुक और कैशबुक में डिफरेंस हो गया। कैसे डिफरेंस हो गया? मैंने अपने कैशबुक में चढ़ा कि मैंने राम को 5,000 रुपये दिए, राम ने क्या किया, अगले ही दिन 5,000 वापस कर दिए। तो वापस किए तो सीधे मेरे बैंक में डिपॉजिट हुए, ठीक है? राम ने क्या किया, वो पैसा सीधा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो मैंने कैशबुक में तो अपडेट करना भूल गया, और लेकिन बैंक में अपडेट हो गया। मैंने जो पैसा दिया बैंक से निकाल के राम को दिया 5,000, और राम ने क्या किया, अगले दिन बैंक में जमा कर दिया। यहाँ पे तो मुझे दिखा रहा है कि 5,000 रुपये यहां से क्रेडिट है, मतलब गया हुआ, इसमें माइनस है, लेकिन बैंक में वो प्लस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कैशबुक में हमारा 5,000 माइनस में दिखा रहा है कि 5,000 मैंने राम को दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैंक पासबुक में यहाँ 5,000 प्लस में दिखा रहा है। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस आया। इसी डिफरेंस को हम लोग बी आर एस मीन्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं कि डिफरेंस क्या है।
एरर कमिटेड बाय बैंक। अब देखिए, इंसान हर कोई है, गलती हर कोई से हो सकती है। स्टार्टिंग में मुझसे हुई कि मैंने गलत एंट्री की, अब गलती बैंक से हुई कि बैंक, अब बैंक की तरफ से क्या एरर हो सकता है? बैंक की तरफ से एरर क्या हुआ कि मैंने जो पैसा जमा किया बैंक में, वो बैंक में जमा ही नहीं हुआ। मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज, ओके। मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, पर बैंक ने क्या किया, मेरा अकाउंट नंबर गलत टाइप किया और किसी और के अकाउंट में 10,000 रुपीज डेबिट कर दिए। अब जब मैं अपना अकाउंट मैच करूंगा, क्योंकि मैंने अपने टैली में तो इनपुट कर चुका हूं, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, मिस्टर मुकेश अंबानी डिपॉजिटेड कैश 10,000 रुपीज इन SBI बैंक, पर बैंक वाले ने क्या किया है, गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक में तो पैसा अपडेट हुआ नहीं। अब जब मैंने बैंक में पासबुक प्रिंट कराया तो वो 10,000 तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, जबकि मैंने अपने कैशबुक में वो 10,000 अपडेट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे 10,000 प्लस बताएगा, ठीक है, और बैंक पे मुझे 10,000 माइनस बताएगा। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। दो रीजन समझिए कैसे कैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट रीजन क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। बहुत टाइम्स हम लोग क्या देखते हैं कि चेक डिपॉजिट किया गया लेकिन 2-3 दिन का समय लग जाता है उसे अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। कोई कोई कंपनीज क्या करती है या फिर कोई कोई शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि आज ही जाके बैंक में चेक जमा करवाएं और पासबुक को अपडेट कर दिए। अब पासबुक अपडेट करेंगे तो उसमें जो चेक जमा किए हैं वो तो डिपॉजिटर बताएगा नहीं, क्योंकि उस चेक को डिपॉजिट होने में 2-3 डेज का टाइम लगता है। चेक जमा करने के बाद तुरंत पासबुक प्रिंट करवाया, अब जब पासबुक और कैशबुक को मैच करेगा तो क्या वो बैलेंस इक्वल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक बैंक में पैसा नहीं गया है। हमारे कैशबुक में तो पता है कि मैंने क्या किया है, 1,00,000 रुपीज कहाँ किए हैं, बैंक में जमा किए हैं बाई चेक, पर बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट होने में टाइम लगता है। और मैंने क्या किया है, चेक डिपॉजिट किया और तुरंत पासबुक को अपडेट किया। इस रीजन से जो पासबुक और कैशबुक के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट रीजन हम लोग देखेंगे, चेक इशू बट नॉट क्रेडिटेड। चेक इशू बट नॉट क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है कि मैंने चेक इशू किया पर तो उसे क्रेडिट नहीं किया गया। इससे पहले क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट, मैंने चेक डिपॉजिट किया पर वो क्रेडिट नहीं हुआ। लेकिन सेकंड में क्या है कि मैंने चेक को इशू किया है पर वो डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं किया गया है। कैसे वो होता है, मैंने क्या किया है, रश्मिका को 10,000 रुपीज का चेक दिया है, ओके, और रश्मिका ने क्या किया, अभी तक बैंक में पैसा जमा करवाया नहीं, मतलब वो चेक बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है। मैंने अपने कैशबुक में तो अपडेट कर दिया कि मैंने रश्मिका को 10,000 रुपीज का चेक दिया है, पर रश्मिका ने क्या किया, अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो क्या होगा, जब मैं अपने कैशबुक में चेक करूंगा तो वो 10,000 रुपीज क्या होगा, माइनस बताएगा, लेकिन बैंक में वो अभी भी प्लस होगा क्योंकि बैंक से वो अभी तक कटा नहीं है, ठीक है। इसे समझते हैं कि मैंने क्या किया है, रश्मिका को 10,000 रुपीज का चेक दिया है पर रश्मिका ने अभी तक उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे बैंक से तो अभी तक पैसा नहीं कटा है लेकिन मेरे टैली के अकॉर्डिंग, मेरे कैशबुक के अकॉर्डिंग मैंने तो रश्मिका को 10,000 रुपये का चेक दे चुका है। अब रश्मिका नहीं जमा की है अपना बैंक अकाउंट में तो वो उसकी गलती है, पर मैंने तो दे चुका है लेकिन मेरे अकाउंट से अभी तक पैसा कटा नहीं क्योंकि रश्मिका ने अपने अकाउंट में ये डिपॉजिट नहीं कराया है। दैट्स व्हाई ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, BRS, ओके। नेक्स्ट रीजन क्या है, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय बैंक। अब बहुत बार बैंक क्या कहता है, डायरेक्ट पैसा काट लेता है। ऐसा कैसे काट लेता है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप बैंक जाते हो तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाते हो, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट? नॉर्मल इंसान बोलेगा सेविंग अकाउंट, पर जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या कहते हैं, करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। क्यों, करंट अकाउंट का बेनिफिट क्या होता है, करंट अकाउंट में आप मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में तो हमें इंटरेस्ट मिलता है पर करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें फैसिलिटीज और वर्किंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो
तो बैंक क्या करती है, बहुत सारे डायरेक्ट डेबिट्स कर लेती है, जैसे आपका एटीएम कार्ड का डेबिट होता है, ठीक है, एटीएम का डेबिट करती है, फिर चेकबुक का डेबिट करती है, फिर सर्विस चार्जेस का डेबिट करती है। तो ये सारे डेबिट्स वो मंथली या ईयरली करती रहती है। तो सपोज करिए कि बैंक ने आपके अकाउंट से 5,000 रुपये काट लिए। अब आपको तो नहीं पता है बैंक ने आपसे 5,000 रुपये काटे हैं, पर आपके अकाउंट में तो एज इट इज पैसे हैं जितने आपके पैसे पहले थे। पर जब आप बैंक जाते हो, पासबुक को अपडेट करवाते हो, अपडेट कराने के बाद कैशबुक में मैच करते हो, तो क्या आप देखते हैं कि 5,000 रुपीज तो मुझे कम बता रहा है। मेरे कैशबुक के अकॉर्डिंग तो 5,000 रुपीज प्लस होने चाहिए, लेकिन यह 5,000 रुपीज माइनस क्यों है? क्योंकि बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर लिया। क्यों? आपके जो भी सर्विस चार्जेस है वो बैंक डायरेक्ट आपके अकाउंट से काट लेती है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, BRS, मींस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट रीजन क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब मान लीजिए कल को पीएम मोदी आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए। सपोज करिए आप बहुत गरीब आदमी है, पीएम क्या कह रहे हैं, पैंडेमिक के टाइम में सारे गरीबों को पैसा बांट रही है उनके बैंक अकाउंट में। तब आपके अकॉर्डिंग आपके कैश बुक में कितने रुपीज हैं? आपके अकॉर्डिंग आपके कैश बुक में मात्र 50 रुपए हैं। और पीएम क्या किए हैं, मीन्स नरेंद्र मोदी क्या किए हैं कि आपके अकाउंट में, हर गरीब के अकाउंट में 8 लाख रुपीज डिपॉजिट करा दिए हैं। और अब जब आप जाके पासबुक को अपडेट कराइएगा, कोई भी गरीब आदमी अपने पासबुक को अपडेट कराएगा तो देखेगा उसके पासबुक में क्या है, 8 लाख प्लस 50 रुपये, मतलब 8,50,000 रुपये है। और कोई भी गरीब आदमी अचानक से इतने बड़े अमाउंट को देखेगा तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इसे क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कोई डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है आपके इंफॉर्मेशन के बिना। सपोज करिए कि आपने किसी से माल उधार खरीदा है और वो उसके पास जब पैसा आया वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, पर आपको बताया नहीं, ठीक है, एक दो दिन बाद आपको बताता है। पर जब आप अपने पासबुक को अपडेट कराइएगा तो आपको तो अमाउंट प्लस बताएगा, उस टाइम आप सोचेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। आप अपने कैशबुक को चेक करें कि मैंने किसी से लोन तो नहीं लिया, किसी का पैसा बाकी तो नहीं है, कि उससे शायद आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा तो भी आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। BRS सिंपली आपके कैशबुक और पासबुक को डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ओके। गरीब आदमी जो 1,500 रुपया रखता है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। हम लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, ताकि हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट मिले, ठीक है। हम अपने घर में पैसा रखेंगे तो 2 से 4 तो होंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का फायदा क्या होता है कि बैंक में पैसा 2 से 4 होता है। जब पैसा 2 से 4 हो तो आपका कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके बैंक में 1,000 रुपये है और 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद ये क्या हो गया है, 1,100 रुपये। अब जाके आप कैशबुक और पासबुक का डिफरेंस चेक करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पासबुक में 100 रुपये बढ़ चुका है और कैशबुक में तो 1,000 रुपये ही है। तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, BRS, मीन्स बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर इन सिंपली भाषा में समझा जाए कि BRS क्या होता है, कैशबुक और पासबुक के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने वाले को हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस बहुत तरह के रीजन से हो सकते हैं, या तो आपको आपके तरफ से कोई गलत एंट्री हो जाए उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, बैंक के तरफ से गलत एंट्री हो जाए तो भी डिफरेंस आ सकता है, या फिर चेक डिपॉजिट करेंगे पर वो अकाउंट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ या फिर क्रेडिट नहीं हुआ उसकी वजह से डिफरेंस आ सकते हैं। देन क्या करेंगे, चेक आपने किसी को दिया लेकिन वो क्या कहते हैं, 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप चेक को अपने अकाउंट में डालेगा तो उस वजह से भी आपके अकाउंट में ये डिफरेंस देखे जा सकते हैं। और बैंक डायरेक्ट अपने सर्विस चार्जेस कट कर दे अपने पैसे को, तो उसके वजह से भी आपको BRS देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई भी ऐरा गैरा या फिर पीएम मोदी आपके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दे या फिर कोई भी आदमी आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दे तो उस वजह से भी आपके कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस देखे जा सकते हैं। और लास्ट वन,
कि जब हम पैसा बैंक में रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उस डिपॉजिटेड अमाउंट से हम लोग का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अब जितने भी टैली स्टूडेंट हैं वो स्टार्टिंग में जब टैली पढ़ रहे होगे, जब गोल्डन रूल पढ़ रहे होगे, तो बहुत कंफ्यूजन आता होगा। मुझे भी आता था जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मेरे अकाउंट से पैसा कटता है तो क्या मैसेज आता है कि सम अमाउंट डेबिटेड बाय योर अकाउंट, मतलब कुछ पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं, और अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो सम अमाउंट डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। पर टैली में इसका जस्ट अपोजिट होता है। गोल्डन रूल क्या है? कैश कौन से अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? आने वाले को हम लोग डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो डेबिट करेंगे, ये टैली का गोल्डन रूल है, ठीक है? और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। पर बैंक में इसका वाइस वर्सा है, मतलब जस्ट उल्टा। अगर बैंक में पैसा जा रहा है तो आपको डेबिट करेंगे, और बैंक में पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर ये वाइस वर्सा क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये तो भैया अकाउंट्स का टॉपिक है, इतना डिटेल वाइज जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये जानिए कि जो टैली में डेबिट क्रेडिट होते हैं अकॉर्डिंग टू कैश, वो बैंक में जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। बैंक में अगर पैसा कटता है तो वो डेबिट होता है, बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट होता है। लेकिन टैली में अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट होता है, और टैली में पैसा जा रहा है तो उसे क्रेडिट कहते हैं। आई होप कि BRS आपको समझ में आ गई होगी, कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या क्या रीजंस है, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।